नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरओआरओ की तैयारी के संदर्भ में इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉप 200 वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे जीके के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 5 से 6 प्रश्न जो हैं यूपी स्पेशल जो है टॉपिक विशेष से पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो यूपी पीसीएस प्री हो, मेन्स हो, या फिर आरओआरओ का एग्ज़ाम हो या लोअर सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, तो ये टॉप 200 तथ्यों को जो कि वन लाइनर तथ्य हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, इसके बावजूद मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है कि कुछ नए तथ्य जो हैं निकल कर सामने आए जो आपको पहले से पता ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि समय समय पर जो है तथ्यों से रिविज़न किया जाता रहे, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में फैक्ट्स सीधे सीधे पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ आइकन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल की किसी भी प्रकार की गतिविधि को से सर्वप्रथम आपको सूचित किया जा सके। आइकन बेल घंटे के निशान का है, उसको प्रेस करना जरूरी है, तभी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टॉप 200 उत्तर प्रदेश स्पेशल फैक्ट्स, जो प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पर खास तौर पर मैं जो है 2 से 3 बार उस फैक्ट्स को बताऊँगा और बाकायदा समझाऊँगा कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना लागू की गई है 1 नवंबर 2010 से। निवेश मित्र योजना उद्योग लगाने संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने हेतु 18 औद्योगिक जिलों में 6 जुलाई 2009 से जो है लागू की गई। पहला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आरओआरओ के लिए वो है बालिका समृद्धि योजना, 2 बार अब तक पूछा गया है मेंस में यूपी पीसीएस के। ये अगस्त 1997 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं के लिए जो है लागू है प्रदेश में। संजीवनी परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 से। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं हेतु दिसंबर 2008 से। महामाया आवास योजना केवल एससी एसटी बीपीएल आवासहीनों हेतु सन 2007। माननीय काशीराम शहरी आवास योजना 2007 से। दूसरा प्रश्न जो कि आरओआरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो है किसान रथ योजना, दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु सन 2010 से 11। किसान हित योजना अब तक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाले योजनाओं में प्रश्न रहा है वो किसान हित योजना, किसान मित्र योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इस तरह के प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए। तो किसान रथ योजना दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु 2010 से 11 से प्रदेश में चालू की गई। किसान हित योजना भूमि सुधार से संबंधित है 2007 से। आम आदमी बीमा योजना 2009 से। साक्षर भारत अभियान जिसमें 75% केंद्र और 25% जो है राज्य की भागीदारी से 66 जिलों में लागू की गई 8 सितंबर 2009 से, और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका साल। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 75-25 की भागीदारी है 1 अप्रैल 2008 से, इम्पोर्टेंट फैक्ट है राज्य में 1 अप्रैल 2008 से। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना 4 फरवरी 2009 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन फसलों के असमानता को दूर करने हेतु सन 2007 से, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइजोपाम अब तक 3 बार ये पूछा गया है, राइजोपाम योजना जो है किससे संबंधित है, 1 बार ऐसे पूछा गया था और 2 बार इसका वर्ष जो है पूछा गया है। ठीक है, लास्ट टाइम सन 2016 में जो मेंस हुआ था उसका भी जो है उसमें भी राइजोपाम योजना दी गई थी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लीजिएगा। राइजोपाम योजना दलहनी तिलहनी आदि हेतु उपयोग में लाया जाने वाली जो है योजना है, इनसे संबंधित योजना है, सन 2004-05 में जो है लागू हुई प्रदेश में। स्वाधार योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना रहेगी आरओआरओ के एग्ज़ाम के लिए, महिलाओं को गृह आश्रय व आत्मनिर्भरता के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है यह योजना, सन 2001-02 से प्रदेश में लागू है। पेइंग गेस्ट योजना अभी तक नहीं पूछी गई है। जनश्री बीमा योजना पूछा जा चुका है, सुमेल करने के
प्रश्नों के संदर्भ में, और स्वावलंबन योजना भी पूछा जा चुका है, और ग्रीन कार्ड योजना भी UPSC एग्जाम में, ये तीनों योजनाएं जो है पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जाम्स में, तो पता होना चाहिए। जनश्री बीमा योजना बुनकरों हेतु है 2003-04 से, स्वावलंबन योजना निर्बल महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 1996, उनको रोजगार से संबंधित है ये। ग्रीन कार्ड योजना परिवार नियोजन से संबंधित है, सन 1985। तीनों योजनाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट रहेंगी आरओआरओ के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब प्रमुख उद्योग मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग कौन से हैं, सीमेंट, चीनी, वनस्पति, वस्त्र उद्योग। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, हथकरघा कुटीर उद्योग। गुड़ उद्योग जो है कहाँ कहाँ फल फूल रहा है, सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ है, नैनी, इलाहाबाद। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है, टुंडला, गाजियाबाद। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो कानपुर। सिंगरौली कोयला खान कहाँ स्थित है, सोनभद्र में, सिंगरौली में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट रहेगा, नैनी, इलाहाबाद। अब परियोजनाएं देख लेते हैं प्रदेश की। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ जो है स्थित है, लखनऊ में। अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ बंद हो चुकी है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र। बिरला एल्युमिनियम रेणुकूट सोनभद्र। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा जो रायबरेली का, जो अभी ये क्वेश्चन क्योंकि दो बार पूछा जा चुका है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज मनकापुर गोंडा के बाद रायबरेली, ठीक है ना, ये तीनों ही आपको नाम को पता होना चाहिए। चमड़ा उद्योग, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर आरओआरओ एग्जाम कि चमड़ा उद्योग सुमेलित करने के संदर्भ में पूछा जा सकता है, सिंपल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चमड़ा उद्योग के लिए फेमस जिला कौन सा है, तो कानपुर मुख्य केंद्र है इसका, फिर है आगरा, दूसरे नंबर पर मेरठ, उन्नाव, लखनऊ। जरी व चिकन उद्योग तो लखनऊ और वाराणसी। कागज़ उद्योग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मेनली सहारनपुर है, यही ऑप्शन में दिया होगा, पता होना चाहिए। कांच उद्योग कहाँ कहाँ फल फूल रहा है, बरजोई, नैनी, गाजियाबाद, मेरठ, मक्खनपुर। कांच और चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मिट्टी के खिलौने उद्योग आगरा। दरी निर्माण उद्योग बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर। दिया सलाई उद्योग रायबरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, रामपुर। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। ट्रांसफॉर्मर कारखाना झांसी। तेल शोधक कारखाना, ये सभी विभिन्न एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके पास इससे रिलेटेड जो है नोट्स अवेलेबल नहीं है तो नोट करते चलिए। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली, सोनभद्र। कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर, बरेली बंद हो चुका है। चीनी मिट्टी बर्तन पॉटरी उद्योग के लिए फेमस है खुर्जा, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, फिरोजाबाद। पीतल पात्र उद्योगों के लिए फेमस जिला है मुरादाबाद, वाराणसी। ताला उद्योगों का प्रमुख केंद्र है अलीगढ़। कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग के लिए फेमस है आगरा। औषधि निर्माण उद्योग के लिए कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर। पीतल ढलाई उद्योग मुरादाबाद, लखीमपुर। पीतल मूर्ति उद्योग मथुरा। उत्तर प्रदेश कला प्रदेश को देख लेते हैं। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हल्दार, निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद। फेमस क्वेश्चन रहेगा आपके लिए आरओआरओ के लिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद की स्थापना कब हुई, तो 1985-86 अभी तक जो प्रश्न पूछा जा चुका है इस पर, वो ये पूछा गया है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय इकाई वाराणसी में 1987। भारतीय कला परिषद वाराणसी की स्थापना 1920 में। रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ की स्थापना 1964 में। भारत तेंदु, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, भारत तेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना कब हुई, 1975। जो लोग रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा जो मैं बात कह रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो पता होना चाहिए। एक तो ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, भारतनाट्य अकादमी भी जो है कई बार रिपीट हुआ है, राष्ट्रीय कथक संस्थान एकमात्र जो है इनमें ऐसा क्वेश्चन जो कई बार अनेकों बार पूछा जा चुका है वो यही है कि उत्तर भारत का सांस्कृतिक जो कलात्मक जो है नृत्य कौन सा है, कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश में फेमस है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना 1988 से 1989 में, ठीक है, ईयर इसका ध्यान रखिएगा, लखनऊ इसका जो संस्थान का मतलब स्थित है। भारतीय कला भवन, चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रहालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापना जो है हुई 1950 में। भारत खंडे, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ की स्थापना हुई 1926। प्रयाग संगीत सम्मेलन इलाहाबाद की स्थापना हुई 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी, ये भी पूछा जा चुका है, लखनऊ की स्थापना हुई 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, लखनऊ की स्थापना हुई 1963 में। ईरानी फारसी व भारतीय रंगों रागों का मिश्रण किया गया अमीर खुसरो द्वारा। तबला व सितार का आविष्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तबला व सितार का आविष्कार किया गया अमीर खुसरो द्वारा। बेजू बावरा संगीत के किस क्षेत्र में पारंगत थे, तो राग मेघ में। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी ने जौनपुर में, और इन्हीं के द्वारा जो है जौनपुर का जामा मस्जिद का निर्माण भी किया गया। गजल गायिका बेगम अख्तर हैं लखनऊ घराने की, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ और वाराणसी। राज्य में दूरदर्शन सेवा की शुरुआत 1975 में लखनऊ से, ये भी क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक हैं बीपी मिश्रा, देवरिया से। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना हुई 1975 में। राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ 1951 में इसकी स्थापना हुई। आधुनिक हिंदी रंगमंच नाटक का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाटक रीति से लिखा गया प्रथम नाटक नहुष, आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक जानकी मंगल। वर्तमान में प्रदेश की प्रमुख लोक नाट्य है रामलीला रासलीला नौटंकी। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा, भारती भवन पुस्तकालय 1889 इलाहाबाद। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र है 13, राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र है 3। उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना 31 अगस्त 2002 को। रामकथा संग्रहालय अयोध्या फैजाबाद 1988 में स्थापना। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापना हुई, कहाँ स्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 इलाहाबाद। अब विशेष स्थल देख लेते हैं, पार्क सिटी व केंद्र। लोहिया पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ में। बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन बिजनौर रोड लखनऊ। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा व आगरा। साइबर सिटी कानपुर। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा मुरादाबाद आगरा लखनऊ कानपुर इलाहाबाद वाराणसी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क HBTI यानी कि हर्बर्ट लॉर कोर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर। जय प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। एग्रो पार्क कहाँ स्थित है, बाराबंकी और वाराणसी में। प्लास्टिक सिटी के नाम से फेमस है कानपुर जौनपुर, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। एग्रो पार्क भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा कानपुर आगरा इलाहाबाद आगरा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रथम वाटर पार्क गोरखपुर में है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क चिड़ियाघर लखनऊ में है। एशिया का प्रथम DNA बैंक लखनऊ। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ट्रैफिक पार्क कानपुर। प्रदेश में कार्यरत फोरेंसिक लैब दो ही हैं आगरा और लखनऊ में। साइबर क्राइम हेतु साइबर लैब कहाँ स्थित है, आगरा में। हेरिटेज सिटी है आगरा वाराणसी। खगोलीय पार्क है लखनऊ में। वे जिले जिनके मुख्यालय अन्य नामों से जाने जाते हैं, तो जालौन जिले को का जो मुख्यालय है वो है उरई और अंबेडकर नगर में आता है, माफ़ कीजिएगा, जिले जालौन को जो है मुख्यालय है वो है उरई। फरुखाबाद का है फतेहगढ़। रमाबाई नगर का है अकबरपुर माटी। कानपुर देहात का जो है रमाबाई नगर भी कहा जा सकता है उसे, या फिर कानपुर देहात, ठीक है। तो अक्सर जो है कानपुर देहात ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो अकबरपुर माटी है उसका मुख्यालय। ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा, संत रविदास नगर ज्ञानपुर भदोही, कुशीनगर पडरौना। अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है अकबरपुर। गौतम बुद्ध का जो है जिले का मुख्यालय है नोएडा। सिद्धार्थ नगर का है नवगढ़। सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज। महामाया नगर का है हाथरस। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। और छत्रपति साहू जी महाराज नगर का जो मुख्यालय है वो है गौरीगंज, ठीक है। तो हमने अभी देखे जिले और उनके मुख्यालय, आगे देखते हैं
उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य मंदिर जिनसे भी प्रश्न आ जाता है, तो विंध्य वासिनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? विंध्यांचल मिर्जापुर में, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर गाजियाबाद, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर, रंगनाथ मंदिर वृंदावन, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, शाकुंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर, अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी, दाऊजी का मंदिर दाऊजी मथुरा, गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर, छेमकली देवी का मंदिर कन्नौज, श्रृंगी ऋषि का मंदिर फरुखाबाद, वराह भगवान का मंदिर सोरो एटा, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, लाडली जी राधा का मंदिर बरसाना मथुरा, जाटेश्वरी देवी का मंदिर गोंडा, लाधेश्वर जी का मंदिर बाराबंकी। आगे देखते हैं मेले पर्व महोत्सव। कुंभ का मेला प्रयाग में लगता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद, माघ मेला प्रयाग में प्रत्येक वर्ष, राम नगरिया मेला फरुखाबाद गंगा तट पर, बटेश्वर मेला आगरा, यहाँ पर पशुओं की सबसे बड़ा मेला भी इसको कहा जाता है, नौचंदी मेला मेरठ, कंस मेला मथुरा फतेहपुर सीकरी में, हरिदास जयंती मेला जो है निधिवन वृंदावन में मनाया जाता है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, श्री श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ लगता है? फरुखाबाद में, सैयद सालार गाजी मेला बहराइच, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या फैजाबाद, परिक्रमा मेला नेमिसारण्य सीतापुर फाल्गुन में, गोला गोकरनाथ मेला खीरी मकर संक्रांति, बल सुंदरी मेला अनूप शहर बुलंदशहर, कालिंजर मेला बांदा, देवी पाटन मेला बलरामपुर, श्रावास्ती जन्माष्टमी मेला मथुरा, नवरात्रि मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा, नक कटैया मेला वाराणसी, ददरी मेला पशु मेला जो है वो है बलिया में, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, देव छठ मेला मथुरा, खिचड़ी मेला गोरखपुर मकर संक्रांति पर लगता है, रामायण मेला चित्रकूट व श्रृंगवेरपुर, सोरो मेला काशीराम नगर, लठमार होली नंदगांव के निकट बरसाना, कंपिल मेला बांदा, झूला मेला मथुरा अयोध्या सावन में, और मकनपुर मेला फरुखाबाद। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल। संत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ स्थित है? स्थान है बहराइच। ऋषियों की तपस्थली महर्षि दधीची का तप स्थल, ललिता देवी का मंदिर, व्यास गद्दी, हनुमान गढ़ी, पंच पांडव धार्मिक स्थल नेमिसारण्य। किसी भी तरह से प्रश्न पूछे कि महर्षि दधीची का तप स्थल जो है कहाँ पे स्थित है, या फिर ललिता देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, या फिर नेमिसारण्य जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, तो सीतापुर, ठीक है। गंगा तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर कानपुर इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। ईंट निर्मित गुप्तकालीन मंदिर भीतर गांव कानपुर, वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर सोरो कासगंज एटा, दुर्गा जी का विख्यात मंदिर देवी कुंड सरोवर भी है वहीं पे, तो वो है देवबंद सहारनपुर, मंदाकिनी नदी भगवान राम की प्रवास स्थली, अनेक मंदिर आश्रम तथा भरतकूप जहाँ भगवान राम के राज्याभिषेक के एकत्रित जल का संग्रह है, तो वो है चित्रकूट बांदा, भरत हरि का मंदिर चुनार में मिर्जापुर में है, लोधेश्वर जी का मंदिर बाराबंकी, ताजमहल आगरा में है, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा, सम्राट अकबर की समाधि सिकंदरा में है सिकंदराबाद में, बड़ा इमामबाड़ा रूमी गेट छोटा इमामबाड़ा लखनऊ, शंकर विमानन मंडपम ऑल सेंट्स कैथेड्रल महाकुंभ जो है वो कहाँ स्थित है, वो है इलाहाबाद में, कनक भवन अयोध्या, विश्राम घाट मथुरा, राहिला का सूर्य मंदिर मथुरा, बौद्ध अवशेष स्थल बौद्ध स्तूप और बुद्ध प्रतिमा निर्माण मंदिर सारनाथ वाराणसी, गुप्त गोदावरी चित्रकूट। प्रदेश के वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में आंकड़े देख लेते हैं, मेन फैक्ट्स। चंद्रभरपा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है, क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर, मेनली जो है वन्य जीव विहार और उनसे रिलेटेड जिले ही पूछे जाते हैं, तो वही पढ़ देता हूँ। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा इटावा,
कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ मुजफ्फरनगर गाजियाबाद, सुहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, सुहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच गोंडा, कछुआ वन्यजीव विहार एकमात्र जो है कछुओं के लिए समर्पित है ये वाराणसी में है, ठीक है, और इन्हीं में से पूछा जाएगा। इसके बाद है पक्षी विहार देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, लाख बहोसी पक्षी विहार फरुखाबाद, सांडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार बस्ती, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समान पक्षी विहार मैनपुरी, पार्वती औरंगा पक्षी विहार गोंडा जेपी नगर, विजय सागर पक्षी विहार महोगा हमीरपुर, पटना पक्षी विहार एटा, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार बेंती कुंडा प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया 1960 में। प्रदेश में ताला निर्माण का प्रमुख केंद्र है अलीगढ़। प्रदेश में बॉक्साइट के एल्युमिनियम बनाने का कारखाना स्थित है रेणुकूट में। प्रदेश में सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं दादरी चुनार चुर्क डल्ला। प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो 11.8% रहा। प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है -43% नकारात्मक वृद्धि। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई 1954 में कानपुर में। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम पिकअप की स्थापना जो है की गई 1972 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1958 में कानपुर। राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है इसलिए पता होना चाहिए, नोएडा किस लिए फेमस है, रत्न आभूषण के निर्यात के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स परिधान कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चमड़ा। आगरा सिल्क कारपेट हस्तशिल्प सामान संगमरमर उत्पाद कलात्मक सामान बैग। मुरादाबाद आर्ट मेटल वेयर कलात्मक आभूषण बोन ज्वेलरी। लखनऊ मिनीचेयर पंटिंग फ्लोरिकल्चर आयुर्वेदिक हर्बल औषधि केमल बोन कार्विंग। कानपुर चमड़ा उत्पाद सॉफ्टवेयर रसायन हैंडलूम फार्मास्यूटिकल मसाले तेल एंड परफ्यूम। वाराणसी रेशम ऊनी हस्तशिल्प लकड़ी के खिलौने झांसी और ललितपुर पीतल के सामान। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान को देख लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव मड़ुआडी वाराणसी में। रेल कोच कारखाना देश का तीसरा जो कारखाना है वो है लालगंज रायबरेली। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। मालगाड़ी डिब्बा रिपेयर कारखाना प्रतापगढ़। ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद और लखनऊ में भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी में है। भारत एक्सप्लोसिव बारूद की जो फैक्ट्री है वो ललितपुर में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ मुंशीगंज अमेठी और कानपुर में स्थित है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जगदीशपुर अमेठी। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी इलाहाबाद। भारत पंप एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी में। फिर है वेदनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी। डीप फ्रिज मीट प्लांट टुंडला में है। कृति मंग निर्माण लिमिटेड कानपुर। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है लखनऊ में। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में है। और ये सब हमने पूर्व में ही स्टार्टिंग में ही देख लिए थे तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉस्फेट उर्वरक कारखाना देख लीजिए, एक बार पूछा गया था, मगरवाड़ा कानपुर व इलाहाबाद में है। इस तरह से हमने यूपी के टॉप 200 महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखे। ये वीडियो अगर पसंद आया हो, कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पूर्व में ही सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।